इंडियन न्यूज 24 आवर न्यूज 18 हिंदी अपडेटेड जनवरी 14, 2018 11:44 AM इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 5 दिनों के भारत दौरे पर आ रहे हैं। नेतन्याहू 14 जनवरी को दिल्ली पहुंचेंगे। खुद पीएम मोदी अपने इजरायली समकक्ष का स्वागत करेंगे। नेतन्याहू अपने दोस्त पीएम मोदी के लिए एक खास तोहफा भी लेकर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक नेतन्याहू पीएम मोदी को एक जीप गिफ्ट करेंगे। इस जीप की खासियत ये है कि यह समुद्र के खारे पानी को फिल्टर कर उसे पीने लायक शुद्ध बना सकता है। इस जीप को गल मोबाइल जीप कहा जाता है। बताया जा रहा है कि इस जीप की कीमत करीब 3.9 लाख शेकेल यानी करीब 70 लाख रुपए है। पिछले साल जुलाई में अपनी इजरायल यात्रा के दौरान मोदी ने नेतन्याहू के साथ इस जीप में बैठकर भूमध्य सागर के तट की सैर की थी। उन्होंने इस जीप से खारे पानी को पीने लायक बनाने का नमूना भी देखा था। सूत्रों के मुताबिक यह जीप वास्तव में भारत के लिए रवाना भी हो चुकी है। इजरायली प्रधानमंत्री द्वारा मोदी को तोहफे में दिए जाने के लिए यह समय पर पहुंच जाएगी। क्या है बेंजामिन नेतन्याहू का पूरा शेड्यूल। इजरायल के पीएम 14 जनवरी की दोपहर 1:30 बजे तक नई दिल्ली पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी खुद नेतन्याहू की आगवानी करेंगे। दोपहर 1:50 बजे दोनों नेता 3 मूर्ति चौक पर जाएंगे, जहां उन्हें एक समारोह में शिरकत करनी है। कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी और नेतन्याहू 3 मूर्ति मेमोरियल के विजिटर्स बुक में साइन भी करेंगे। बता दें कि 3 मूर्ति मेमोरियल की तीनों मूर्तियां तांबे की बनी हैं और हैदराबाद, जोधपुर और मैसूर लेंसेस को रिप्रेजेंट करती हैं। शाम को इजराइल के पीएम और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की मुलाकात भी हो सकती है। इसके बाद 15 जनवरी को हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और इजरायली पीएम के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। 16 जनवरी को नेतन्याहू ताजमहल देखने आगरा जाएंगे। 17 जनवरी को वह पीएम मोदी के साथ अहमदाबाद आएंगे, यहां दोनों नेता रोड शो कर सकते हैं। 18 जनवरी को इजरायली पीएम नई दिल्ली से अपने देश लौट जाएंगे। हाइफा चौक हो जाएगा 3 मूर्ति चौक का नाम 3 मूर्ति चौक पर। कार्यक्रम के दौरान आज इस चौक का नाम भी बदला जाएगा। NDMC आज दोनों नेताओं की मौजूदगी में 3 मूर्ति चौक का नाम बदलकर 3 मूर्ति हाइफा चौक करेगी। ये है हाइफा चौक की कहानी। बता दें कि 3 मूर्ति मेमोरियल की तीनों मूर्तियां तांबे की बनी हैं और हैदराबाद, जोधपुर और मैसूर लेंसेस को रिप्रेजेंट करती हैं। ये तीनों 15 इंपीरियल सर्विस कैवलरी ब्रिगेड का हिस्सा रह चुके हैं। हाइफा की लड़ाई 23 सितंबर 1918 को लड़ी गई। इस लड़ाई में राजपूताने की सेना का नेतृत्व जोधपुर रियासत के सेनापति दलपत सिंह ने किया था। इस लड़ाई में जोधपुर की सेना के करीब 900 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। आखिर में राठौड़ों को विजय मिली और उन्होंने हाइफा पर कब्जा कर लिया। राठौड़ों की इस बहादुरी के प्रभावित होकर भारत में ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ ने फ्लैगस्टाफ हाउस के नाम से अपने लिए एक रिहायशी भवन का निर्माण करवाया। भवन एक चौराहे से लगा हुआ है। इस चौराहे के बीच में गोल चक्कर के बीचों बीच एक स्तंभ के किनारे 3 दिशाओं में मुंह किए हुए 3 सैनिकों की मूर्तियां लगी हुई हैं, जो रणबांका राठौड़ों की बहादुरी को यादगार बनाने के लिए बनाई गई। इसकी का नाम हाइफा चौक रखा जाएगा। एजेंसी इनपुट के साथ ये भी पढ़ें। इजरायली पीएम नेतन्याहू आ जा रहे हैं भारत। एयरपोर्ट पर मोदी करेंगे स्वागत। जिनपिंग से नेतन्याहू तक हर मेहमान को अहमदाबाद क्यों ले जाते हैं मोदी। बेंजामिन नेतन्याहू पीएम